दोस्तों राज का किचन आपका चिकन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैंने बनाया ये ओपन हांडी हांडी वाला चिकन मैंने बहुत उसमें बनाया था। सो मैंने इसको हांडी में बिल्कुल रोस्ट करके बिल्कुल हांडी में बनाया है। सो एक बार जब आप इसे खाएंगे इसका जो फ्लेवर है ना वो हल्का हल्का सा मिट्टी वाला जैसे राजस्थानी मिट्टी वाला और हल्के से इसमें जो मैंने साबुत मिर्ची डाली इसका फ्लेवर, तो इसमें बहुत तरह के इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं जो कि अपना अपना फ्लेवर बहुत ही बेहतरीन तौर से देता है। तो अब मैं इसमें जो फिनिशिंग के लिए और अब मैंने इसमें ये बारीक कटी हुई ग्रीन चिली मिर्च रखी है तो हम इसमें डाल देते हैं गार्निंग से हल्का हल्का सा अच्छा अच्छा चिली का फ्लेवर है क्योंकि इसमें ये मैंने बहुत छोटे छोटे पीस बनाए हैं स्नैक्स के तौर पर क्योंकि आप भी सभी भी आपके मेहमान आए हैं तो आप उसको दे सकते हैं क्योंकि ये फुल ग्रेवी नहीं है, ये हल्का सा रोस्टेड है। आप इसको दाल चावल उसके साथ हल्का सा अचारी तौर पर आप इसको खा सकते हैं और इसको खाइए और इसको बनाइए और लाजवाब आपको। ये हमारा रेडी हो चुका है। देखो कैसे इसमें स्मोकी फ्लेवर आ रहा है। वाओ 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 यस आहा हा इससे पूरे जैसे रेस्टोरेंट में हम घुसते हैं ना वैसी खुशबू आती है ना वैसे पूरे घर में इसकी खुशबू आ चुकी है। तो हम इसको ये जो हमने ये पहाड़ी क्या नाम बोलते हैं वो बनाया है डिश बनाई है। वाह उड़द दाल का पुलाव हमने बनाया है और इसके साथ हम इसको लेंगे ऐसे करके सर्व करेंगे। वाह देखिए अभी भी इसमें फ्लेवर बिल्कुल स्मोकी फ्लेवर अभी आ रहा है। अगर आपको और ज्यादा इसमें स्मोकी फ्लेवर चाहिए तो आप इसको ऐसे कवर कर सकते हैं। अभी कवर हो जाएगा फिर आप इसको खोलेंगे तो उसके बाद फिर वही स्मोकी फ्लेवर पूरा आ जाएगा। पुलाव माउंटेन पुलाव हम इसको बोलेंगे उड़द की दाल के साथ हमने राइस मिक्स किया है और ड्राई फ्रूट्स में हमने डाले हुए हैं तो इसको खाएंगे और अचारी तौर पर ये बनाया हुआ चिकन जब आप खाएंगे ना वाह क्या मजा है। एक बार जरूर कोशिश करें।